पता चल रहा है पूजा करने के बाद, फिर यहाँ पे हमें पानी लेना इस घट में। नंगी पैर, फिर भी जोश है, जोश है ना, पहुँचाना है। हेलो नमस्ते कुलुम्बाई, मैं सुष्मिता आप सबको मेरे चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक है और मैं भी बढ़िया हूँ। और आप लोग पीछे देख रहे होंगे एक्चुअली ये पूजा चलने वाला है, आज से स्टार्ट है, आज कलश यात्रा है। तो मैं अपने माँ पापा के गांव में आई हूँ, तो जो नेपाली कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें तो पता ही है पूरन होने वाला है। पूरन एक बहुत ही बड़ा पूजा होता है जो विश्व शांति के लिए, समाज शांति के लिए या फिर हमारे पूर्वज के लिए किया जाता है पूरा समाज मिलके, तो उसी पूजा के लिए आई हूँ। तो जो जगह में हो रहा है ना ये देवस्थान है, मतलब यहाँ पे देवी का वास होता है। आज कलश यात्रा होने वाला है, कलश में पानी लेके आएंगे नदी से, तो सब लोग चल के जाने वाले हैं नंगे पैर। तो इसीलिए मैं सोचा कि मैं वीडियोस बना दूँ, काफ़ी दिन हो गया था वीडियो भी नहीं बनाया था। तो मैं, हमारे घर के तो सारे लोग आए हुए यहाँ पे, भैया माँ पापा भाभी सब लोग है, और रियान भी आया है इधर ना रियान, और इधर देखो बच्चे बच्चे खेल रहे हैं, और ये देखो आब्या। तो एक्चुअली पूरन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे पंडित लोग जो है ना कथाएं सुनाते हैं, तो ये देवी पूरन है तो देवी का कथा वगैरह होगा, कथाएं सुनाएंगे, पूजा पाठ होगा। तो ये सब भी है, पूरे समाज बाहर के गांव से भी आते हैं, बाहर के जगह से भी आते हैं, और बहुत सारे नेपाल के मेहमान लोग भी आए हुए हैं। तो पूरन एक बहुत ही बड़ा पूजा है एक तरफ से, नेपाल लोग बहुत ही मानते हैं। तो यहाँ पे पंडित होंगे जो पंडित कथाएं सुनाएंगे देवी माँ के, भगवान के, तो सभी होगा। तो आज कलश यात्रा होने वाला है, सबसे पहला वाला दिन, तो सब उसी में बिजी है। तो बाद में कलश लेके हम लोग पानी लेने जाएंगे सब लोग। तो मैं रियान को लेके नहीं जा रही क्योंकि काफ़ी लंबा चलना पड़ेगा, तो रियान ऐसे चल नहीं पाएगा, तो इसलिए मैं रियान उसको मतलब हस्बैंड के पास ही छोड़ के जा रही हूँ। तो आप लोग को मैं दिखाती हूँ कि कैसा कैसा चल रहा है। हमारी भाभी नेपाली ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हुए, और यहाँ पे भैया नेपाल से आए हुए ना, नेपाली ड्रेस पहनते हुए। इधर भी हमारे भैया जो मेरे YouTube फैमिली भी है, और मेरे भैया भी है। हमारे पंडित जी का इंटरव्यू हो रहा है, तो हमारे पंडित जी आए हैं नेपाल से, तो उन्होंने बोला है पूरन के बारे में ये कथा क्यों सुनना है, सुन के क्या प्राप्ति होगा लोगों को, तो उसके बारे में बोल रहे हैं। हाय गाइस, वीडियो के बीच में मैं आप लोगों से एक बहुत ही जरूरी चीज शेयर करना चाहती हूँ, स्पेशली लड़कियों के लिए। तो बहुत सारी लड़कियां जो है ना वो सोचती है कि कौन सा हेयर रिमूवल मेथड जो है ना वो बेहतर है, वैक्सिंग या फिर शेविंग। तो मेरी माने तो इन दोनों का ही कुछ अच्छा या फिर कुछ बुराइयां है। अगर आप लोगों को क्विकली हेयर रिमूव करना है तो शेविंग बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अभी विंटर का टाइम में ऐसे ही स्किन हमारा ड्राई रहता है, और अगर हम शेविंग करते हैं तो और ज्यादा ड्राई हो जाता है। और वैक्सिंग तो आप लोगों को पता ही है कि इसका मेथड तो हमेशा पेनफुल रहता है, चाहे वो विंटर हो या फिर समर, किसी भी सीजन तो पेनफुल रहता है। लेकिन हम थोड़ा सा सॉफ्ट एंड क्लीन स्किन के लिए थोड़ा ये सहन तो कर सकते हैं रिमूवल का, लेकिन उसके बाद भी जो हमारे स्किन में इरिटेशन, ड्राइनेस, इची ये सब रहता है, उसका क्या करें। तो प्रॉब्लम जो है ना यही है। तो इसीलिए ना मुझे बहुत ही बढ़िया ऑप्शन मिला है जो कि है न्यू आफ्टर हेयर रिमूवल लोशन। न्यूट का आफ्टर हेयर रिमूवल लोशन बनाया गया है सेविंग के आफ्टर इफेक्ट से स्किन को हील करने के लिए। ये बहुत ही खास है क्योंकि ये बना है जोजोबा ऑयल, लैवेंडर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, एलोवेरा, क्लोव ऑयल और विटामिन ई, जो स्किन पर लगते ही आपको सूथिंग फील करवाएगा और आपकी इरिटेटेड स्किन को काम करेगा। और ये हमारे स्किन को प्रॉपर मॉइस्चर देकर हाइड्रेशन वापस लाएगा, विंटर हो या फिर कोई भी सीजन, ये एक्सटर्नली इंटरनली हमारे स्किन को हील करेगा। तो अगर आप लोग को भी ये प्रोडक्ट चाहिए ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जरूर चेक करना। लड़कियों का फोटो सेशन ही खत्म नहीं हो रहा और मैं आप लोग को ये अंदर देवस्थान दिखाती हूँ जहाँ पे देवी का वास होता है बोलते, बट और पीपल का पेड़ है, और उधर बनाया गया है पंडाल, और यहाँ पे कलश सब रेडी किया गया है। तो यही लेके कलश यात्रा होगा, यहाँ पे पानी लेके आना है, सब कुछ यहाँ पे रेडी करके रखा हुआ है, बस निकलने की देरी है। पंडित जी यहाँ पे बैठ के कथा सुनाएंगे, भजन कीर्तन भी यहाँ पे होके होगा मतलब, और श्रवण करने वाले जो कथाएं सुनेंगे, तो यहाँ पे बैठेंगे सब लोग, समाज के जो भी लोग हैं, मेहमान लोग हैं, तो यहाँ पे बैठ के सुनेंगे। और उधर खाने का जगह है लंगर का, तो वहाँ पे सब समाज के लिए, मेहमानों के लिए पूरा खाने का बंदोबस्त है, जो भी बनेगा यहाँ पे सब लोग खाएंगे मतलब। वैसा ही है पूरन, कल से कथा शुरू होगा, आज तो कथा नहीं है, आज कलश यात्रा है, आज बस पानी वगैरह लेके आना है, थोड़ा बहुत पूजा वगैरह होगा और कल से कथा स्टार्ट हो जाएगा, पूजा वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर कोई आना चाहता है नज़दीक का तो प्लीज़ आप लोग आ सकते हैं, 1 वीक का है ये मतलब पूरन, तो आप लोग कोई भी अगर सुनना चाहता है तो आप लोग आ सकते हैं। मंगलम पुंडलीकाक्ष मंगलाय तनोहरी ओम।
पूरा देवस्थान मंदिर जो है पूरा भ्रमण करेंगे। अभी इस घाट में हम पानी लेने जाएंगे सब लोग। मुझे भी एक मिल गया, मुझे भी एक मिल गया। चलिए सभी लोग अभी कलश यात्रा के लिए निकल गए। दो लाइन करके जाना पड़ेगा नहीं तो फिर रास्ते में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मुझे भी एक कलश मिल गया, मैं भी जाती हूँ पानी लेने। यहाँ पे इस घाट में पानी लेके आना है नदी से। अभी सब लोग निकल गए, हमें 4 से 5 किलोमीटर नंगे पैर जाना है और रास्ते कुछ खराब है कुछ अच्छे हैं, लेकिन मत देवी माँ के भक्ति में कुछ पता नहीं चलता वैसे। तो देखिए नंगे पैर सब लोग चल रहे हैं। यहाँ का रास्ता तो थोड़ा खराब है, पत्थर सब है, लेकिन आगे थोड़ा अच्छा है। नहीं बाबूजू नहीं मने को ये देखिए तादाद इंसान की, पूरी लंबी लाइन एक और पीछे भी बहुत लंबा लाइन है, खत्म ही नहीं होने वाला। पूरा गांव है यहाँ पे। स्कूल के बच्चे स्कूल से निकल के जैसे देख रहे हम लोग को पूरा, ये कैसा वीडियो सोच के शायद हमारी डेस्टिनेशन पहुँच गए, शायद नदी मिल गया हम लोग को। ज्यादा दूर नहीं अभी दिखाई दे रहा है, लगभग 5-6 किलोमीटर चल के अभी हम पहुँच गए हमारी मंजिल पे। बहुत दूर नदी दिखाई दे रहा है, सब लोग खुश है। सब लोग नंगे पैर आए, बहुत पत्थर का रास्ता था। सब लोग नंगे पैर आए, मतलब देवी की भक्ति इतना सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। अभी ये पूजा चल रहा है, पूजा करने के बाद फिर यहाँ पे हमें पानी लेना है इस घाट में और फिर चले जाएंगे वहाँ पे पूजा में रखना है इसको। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों, पूजा करने से एक मन में बहुत अलग सा खुशी होता है ना, वैसा ही लग रहा है। अभी पानी लेके जा रहे वापस मंदिर में, मंदिर में रखना इसे। और बहुत ज़्यादा धूप है, रास्ते में पानी बांट रहे, पानी दे रहे, चॉकलेट दे रहे सबको। उफ, मुझे तो तामुल भी मिला है। और उनको तो तामुल भी मिल गया बोले। कड़क धूप, नंगी पैर, फिर भी जोश है, जोश है ना, पहुँचाना है। उफ बापरे, अभी कलश सबको घट को सब लोग यहीं पर रख रहे हैं पूजा करके, मैं भी इधर ही रख देती हूँ। सब लोग पहुँच के पानी लेके, अभी पानी सब रख दिया उधर और हमारा रियन उधर बैठा है। गुड बॉय बनके रियन इधर गुड बॉय बनके बैठा है। ये सब लोग पहुँच गए, अभी थोड़ा खाजा खाने की बारी, मतलब क्या बनेगा सर, हाँ तो यहाँ पे लंगार जैसा बनता है, मतलब पूरा सप्ताह बनेगा, तो आज भी बनाए, क्या बनाए पता नहीं, देखते खा लेते थोड़ा थोड़ा, खाने में व्यस्त हो गए लोग। खाए वही आई पुए सर इधर तो। रिया माँ, रियान खाएगा कि नहीं, भूख लग रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लग रहा है सच में। कैसा लग रहा है हमें, लगो चावल चने प्रसाद बनता है देवी माँ को प्रसाद। भूख लगो नहीं पूरा खाना।